मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 31 अगस्त को अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर मुमरा पुलिस स्टेशन में सभी हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राखी बांधा। इस मौके पर ACP विलास शिंदे, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज निरुति कोलटकर समेत सभी अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। इस मौके पर ACP विलास शिंदे ने सभी महिलाओं को, हिंदू मुस्लिम महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई दी और की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली। इस पर पुलिस स्टेशन में तमाम कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को राखी बांधने के बाद सभी महिलाओं ने वरिष्ठ नगर सेवक राजन केनी के निवास पर पहुंचे और वहां पे उन्हें भी राखी बांधी। इस मौके पर राजन केनी ने भी सभी महिलाओं का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर क्या कुछ कहा ACP विलास शिंदे ने, वरिष्ठ नगर सेवक राजन केनी ने, वहीं पे अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की रिदा रशीद ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। सर क्या कहेंगे आज हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी आज रक्षाबंधन में आपको राखी बांधी, क्या कहेंगे? ये मुमरा जैसे इलाके में ये बहुत ही अभूतपूर्व बात है, बहुत ही अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम लोग इसमें। और ये जो बहनों ने जो भी जिन्होंने राखी बांधी है और जो अपने घर पे है तो वो भी सुरक्षित है। और हमारा हर एक बंदा, मैं हो या यहाँ पर कोलट का साहब है, ये साहब लोग है, ये सब आपके सुरक्षा के लिए बंधे हुए हैं। ये वर्ल्ड जेंटलमैन्स वर्ल्ड। महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या है? अभी अत्याचार अगर किसी के घर में हो रहा है तो पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक पब्लिक प्लेस में होता है तो नेचुरली पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस वहाँ पे पहुँचेगी। 112 नंबर है, लोगों को पता नहीं है, 112 नंबर पे डायल करेंगे तो पुलिस अपनी वहाँ अब विक्टिम जहाँ पे भी है वहीं पे पुलिस पहुँच जाएगी। सर इस अवसर पे क्या मैसेज देंगे? नहीं देखो, ये रक्षाबंधन अभी ये जो त्यौहार मनाया गया, एक क्या बोले समाज के अंदर शांति और अमन बनाए रहे इसी का ही प्रतीक है। ये जो मुस्लिम बहनों ने उनको राखी बांधा है तो माहौल ख़राब होने का तो सवाल आता नहीं है, और होता है तो हम लोग समर्थ है उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, ओके। आज रक्षाबंधन के अवसर पर हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी आपको राखी बांधी, क्या क्या कहे? आज रक्षाबंधन त्यौहार के पर्व पर आज हमारी सभी धर्मों की बहनें आई और उन्होंने राखी बांधा। वो बहनों का कहना है कि ये नहीं रेशम का तार भैया, ये है राखी, ये राखी है बहना का प्यार भैया। तो इस प्यार भरे रक्षाबंधन में जो मेरी बहनें आई है और मुझे उन्होंने उनकी रक्षा करने का ये बंधन बांधा है, मैं हमेशा हमारी बहनों को यही कहूँगा कि आपकी रक्षा का जिम्मा मेरे ऊपर है और आपकी रक्षा करने का पूरा मैं ये रहूँगा। तो मैं सभी हमारी जो बहनें आई है उनको रक्षाबंधन के लिए उन्होंने राखी बांधा उसके लिए मैं उनका तहे दिल से दिल में एक ये रखता हूँ और उनकी रक्षा की मैं हमेशा रक्षा के लिए उनकी गवाही देता हूँ। और ये रक्षाबंधन एक बहन भाई का प्यार का त्यौहार है और उस प्यार में मिठास डालने के लिए हमारे रिदा मैम है, मोरिश भाई है, अमर करण सब ये यहाँ पर आज उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार में शामिल होकर इस त्यौहार की शोभा बनाई उसके लिए मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दादा, जो लोग महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्या है कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनकी माँ बहन नहीं होंगी इसके लिए वो महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी माँ बहनें हैं और जो अपने माँ बहनों को इज्जत करना जानते हैं इसीलिए वो दूसरी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये सब मत करो, क्योंकि दुनिया में आपको कहीं ना कहीं जाना है तो वो हिसाब से आप ये सब मत करो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार मत करो। महिला है हमारी माता है, बहनें हैं। और ये मत भूलो कि आज जो भी अगर पुरुष है तो वो किसी माता के इससे ही जन्मा हुआ है, तो उसको ये सोचना मांगता है कि वो अत्याचार करने के लिए, उसको एक ही कहूँगा कि वो कभी इस चीज़ को सोचेगा तो वो कभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। नमस्कार, जय भीम।
देखिए राजन भाई को भी राखी बांधा और आज मैंने देखने जाओ तो सभी बहनों के साथ मिलकर सभी को राखी बांधने के लिए बाहर निकली हूँ और पुलिसों को तो राखी बांधा क्योंकि आज महाराष्ट्र में और देश में जो सरकार है हम वहाँ जाना चाहते हैं। मैं तो सच्ची चाहती हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को राखी बांधूँ, लेकिन बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी के लिंक है पुलिस डिपार्टमेंट तक के, और आज हमारे महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है आज सभी बहनों का दिल होगा कि हम जाके उनको राखी बांधे और रक्षाबंधन उनके साथ मनाए, तो पुलिस भी उन्हीं का अंग है तो उसके लिए मैंने आज पुलिस लोगों को भी राखी बांधने का और उसमें सोने पे सुहागा ऐसा हुआ कि आज हमारे SCP साहब भी आ गए। देखिए बहनों की आवाज़ थी, बहनों का दिल था, तो आज अचानक SCP साहब भी आ गए, सीनियर साहब और भी सब साहबों के साथ हमने रक्षाबंधन मनाई और राजन भाई के साथ रक्षाबंधन मनाने का एक अलग ही आज एक महसूस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम आप लोग को पता है मुझ पे या मैं बहन पे जो हुआ और जैसे जैसे हुआ, अगर एक क्षण और एक मिनट अगर मुझे छोड़ा नहीं होगा मेरे भाई ने तो वो है राजन भाई, और हर बहनों के साथ खड़े रहने का आज उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने करके भी दिखाया है। आज मैं किसी बहनों का काम हो या किसी चीज़ के लिए फ़ोन करती हूँ तो तुरंत एक पैर पे खड़े रह के वो काम करते हैं बहनों का और बहनों के लिए खड़े होते हैं, तो आज उनका मान सम्मान करने का और बहनों को उनको राखी बांधने का मौका मिला तो मुझे तो लगता है सभी बहनों का एक बहुत अच्छा अवसर था कि आज हमने उनको राखी बांधा। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से हम पे मुसीबतें आएंगी और शैतान आएगा, अल्लाह तो शैतान को भगाएगा लेकिन अल्लाह ने आपके रूप में भी हमें कोई सपोर्ट भेजा है, तो उसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे तरफ से सभी बहनों के तरफ से आप जितना भी बहनों के लिए करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने राखी बांधी, उसका आपने राखी कबूल किया और हमारे भाई बने उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।